भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता। भारत प्रारंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ आज भी जनसंख्या का लगभग 54-55% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, जहाँ प्राकृतिक उत्पादों का उसी रूप स्वरूप में उत्पादित किया जाता है जिस स्वरूप में प्रकृति उन्हें प्रदान करती है। इस नाते कृषि एवं सहायक क्रियाएं पशुपालन, बागवानी, खनन, मत्स्य पालन इत्यादि का सम्मिलित क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक सुधारों के बाद सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान घट रहा है, फिर भी कुल निर्यातों में लगभग 14% योगदान प्राथमिक उत्पादों का है, जिसमें फल, समुद्री उत्पाद, काजू, गरम मसाले, कॉफ़ी, चाय, मांस आदि प्रमुख हैं। कृषि उत्पादों का प्रमुख निर्यात USA, UAE, नेपाल व बांग्लादेश। भारत कृषि के लक्षण। मानसून आधारित कृषि। भारत में कृषि फसलों का 48% भाग सिंचित, जबकि 92% मानसून पर, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि जोतों का न्यूनतम आकार होने से सीमांत किसानों की अधिक संख्या, भू सुधारों की धीमी गति होती है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, व्यापारिक फसलों का कम योगदान। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा अधिक दलहन तिलहन, तमाम कपास का कम योगदान। श्रम बाहुल्य क्षेत्र। लगभग 36 करोड़ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करते हैं, जिनका कुल उत्पाद में क्षेत्रवार सबसे कम योगदान है। अन्य लक्षण। एक, कृषि का स्वरूप निर्वाहक है, बाजार की मांग के अनुरूप नहीं है। बी, घटिया किस्म के बीज। सी, उर्वरकों की मांग व आपूर्ति में असंतुलन। डी, पूंजी व निवेश का अभाव, मशीनीकरण नहीं। ई, ऋण का अत्यधिक दबाव। नोट, उपर्युक्त सभी कारण कृषि उत्पादकता में कमी के कारण भी हैं। उत्पादकता से अभिप्राय न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने से है। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। कृषि मशीनीकरण, अर्थ उन सभी का विकास करना जो कृषि कार्य में मानव एवं पशुओं की आवश्यकता को कम करे, परिमाणगत उत्पादन की लागत कम आए तथा उत्पादकता में वृद्धि हो। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कृषि मशीनीकरण लगभग 40-45% है, जो USA 95%, ब्राज़ील 75%, चीन 57% की तुलना में काफ़ी कम है। UP, हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में कृषि मशीनीकरण का उच्चतम स्तर, जबकि पूर्वी राज्यों में यह 9 के बराबर है। सरकार द्वारा की गई पहल। सरकारी प्रयास SMAM कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनिकेशन इस वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया। उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए विद्युत संसाधनों का अभाव है तक कृषि मशीन की पहुंच में वृद्धि करना। कृषि यंत्रों से संबंधित प्रशिक्षण वृद्धि के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी सहायता उपलब्ध कराती है। नवीनतम कृषि यंत्रों को बढ़ावा। सरकार ने कृषि से संबंधित नवीनतम मशीनों जैसे हैप्पी सीडर प्रौद्योगिकी, लेजर लैड लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर वीडर इत्यादि को बढ़ावा देने का प्रयास। फसल अवशेष प्रबंधन CRM, क्रॉप रिसाइंड मैनेजमेंट। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई। उद्देश्य, किसानों को नॉर्थ NNW फसल अवशेष जलाने के लिए कार्य से दूर करना। इस योजना CRM में किसानों को कस्टम हैविंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के माध्यम से फसल अवशेषों को उसी स्थान में प्रबंधन करने के लिए मशीन उपलब्ध कराना है। सिंचाई प्रणालियों का विस्तार। IAIDP त्वरित सिंचाई तथा लाभ कार्यक्रम, इलेक्टेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। वर्ष 2015-16 में PM कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ होने के बाद AIBP भी इसी योजना का उपचरण है। उद्देश्य, पहला, PM कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल को सुनिश्चित करना। दूसरा, राज्यों की संसाधन क्षमता से परे ऐसी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना। तीसरा, राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित संचालित की जा रही सिंचाई परियोजना को तेजी से पूरा करना।
अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ। उद्देश्य 7 ऐसे राज्य जहां भूजल अत्यधिक नीचे चला गया है के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना। उर्वरक, भारत यूरिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं यूरिया उपभोग में चीन के बाद सेकंड स्थान। यूरिया के मांग एवं आपूर्ति के असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने PPP मॉडल के आधार पर वर्ष 2012 में यूरिया निवेश नीति बनाई। साथ ही हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 46 कीटनाशकों के आयात, उत्पादन एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार उर्वरक में पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी योजना शुरू कर चुकी है एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दे रही है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पर सरकार ने स्टॉकहोम वार्ता के तहत प्रतिबंध भी लगाया है ताकि मृदा प्रदूषण की समस्याओं को रोका जा सके। कृषि ऋणग्रस्तता, वर्तमान भारत में कृषि से जुड़े लगभग 50% परिवार ऋण के दबाव में है। प्रति परिवार ऋण का औसत 76,000 रुपये है। 21% कृषि ऋण साहूकारों के लिए है के लिए गए हैं। कुल कृषि ऋण में से लगभग 57% ऋण कृषि कार्यों के लिए किए गए हैं। कृषि ऋण ग्रस्तता रोकने के प्रयास, पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान नीति, प्रति वर्ष 6,000 रुपये 3 किश्तों में DBT डेबिट द्वारा किसान के खाते में जमा। उद्देश्य, कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व रखने वाले किसान परिवारों को आय समर्थन प्रदान करना। समस्याएं, किसानों संबंधित अपर्याप्त डेटा आधार। दूसरा, लाभार्थी किसानों की पहचान में कठिनाई। तीसरा, अपर्याप्त वित्तीय सहायता। चौथा, शिकायत निवारण तंत्र का अभाव। पाँचवा, वित्तीय संस्थानों की इच्छा शक्ति में कमी। पीएम फसल बीमा योजना स्टार्ट, वर्ष 2015-16। उद्देश्य, देश भर के किसानों को एक समान प्रीमियम पर फसल का व्यापक बीमा कवर उपलब्ध कराना। योजना में बीमा राशि को बढ़ाकर 40,700 रुपये किया गया। खरीफ, रवी और वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम राशि का क्रमशः 2%, 1.5% और 5% किसान वहन करेगा तथा कृषि शेष प्रीमियम राशि केंद्र व राज्य सरकार 50:50 में 90:10 से वहन करती है। सर्वे के अनुसार कोविड लॉकडाउन के दौरान 70 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अर्थ वह प्रक्रिया इसके माध्यम से कृषि उपज उपभोक्ता तक उचित लागत पर पहुंचाया जाता है। इसकी तीन प्रमुख विधियां हैं। पारंपरिक विपणन प्रक्रिया, किसान द्वारा स्वयं विपणन, सहकारी संस्था आधारित विपणन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ प्रत्यक्ष कृषि उपज खरीदता है। मध्यस्थ समाप्त, उभरते हुए मॉडल, ई नाम योजना, किसान उत्पादक संगठकों FPO का निर्माण, अनुबंध खेती, कॉमोडिटी मार्केटिंग विकास ETC। ई नेम, यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो मौजूदा कृषि मंडियों को आपस में जोड़ता है ताकि कृषि उपजों के एक समान राष्ट्रीय बाजार तैयार किए जा सकें तथा किसानों को उपज बेहतर मूल्य ई व्यवस्था के तहत मिल सके। FPO, किसान उत्पादक संगठन, इस योजना का शुरुआत कृषि क्षेत्र में किसानों एवं कृषि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए प्रायोगिक तौर पर वर्ष 2011-12 में की गई। वर्ष 2011-12 में 250 FPO में लगभग 2,50,000 किसानों को सूचीबद्ध किया गया। प्रयोग सफल होने पर इसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित करने का निर्णय लिया गया। उत्पादक संगठन एवं विधिक संस्था होती है जैसे कंपनी, सहकारी सीमित इत्यादि। इसका संगठन प्राथमिक उत्पादों जैसे किसान, मछुआरों, शिल्पकारों, बुनकरों इत्यादि द्वारा किया जाता है। FPO के गठन से किसानों के पास गुणवत्ता रूपी उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं ऋण के लेन देन की सामूहिक शक्ति प्राप्त होती है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने देश भर में 10,000 FPO के निर्माण पर जोर दिया है। FPO के समस्त चुनौतियाँ, किसान के एकजुट होने में कठिनाई,
नीतियों में अकुशल प्रबंधन, सीमित सदस्यता एवं पूंजी, पारदर्शिता का अभाव, बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप। मेगा फूड पार्ट, कृषि उत्पादकों के मूल्य संबंधन एवं व्यापार से संबंधित मेगा फूड पार्क एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके तहत कृषि उत्पादों के संग्रहण और प्रसंस्करण द्वारा इन्हें नष्ट होने से बचाया जाता है, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2018-19 के बजट में देश भर में 47 मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रथम कपूरथला पंजाब राजस्थान में, रूपनगढ़ मथानिया। कॉमोडिटी बाजार, कॉमोडिटी अर्थात प्राथमिक उत्पाद जैसे अनाज, तिलहन, कच्चा तेल, धातु इत्यादि। जिस स्थान पर इन उत्पादों का क्रय विक्रय होता है उसे कॉमोडिटी मार्केटिंग कहते हैं। शेयर मार्केट की भांति भारत में कॉमोडिटी का ऑनलाइन व्यापार कॉमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से होता है, जो वायदा बाजार आयोग FMC के निर्यातों से कार्य करते हैं। FMC का विलय SEBI में कर दिया गया 2013 में। कृषि निर्यात, महत्वपूर्ण तथ्य। एक वर्ष दो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत कृषि उत्पादों का मुख्य निर्यातक रहा है। भारत का कृषि उत्पादों के वैश्विक बाजार में अग्रणी। भारत में निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पाद समुद्री उत्पाद बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, कच्चा कपास, खली, चीनी एवं चाय। कोविड महामारी के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में तीव्र वृद्धि देखी गई। थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रमुख चावल निर्यातकों की तुलना में भारतीय चावल की कीमत कम होना। कृषि निर्यात नीति 2018। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने एवं कृषि निर्यातकों की कीमत दोगुना करने के उद्देश्य से यह नीति घोषित की गई, जिसके प्रमुख लक्षण निर्यात योग्य कृषि उत्पादकों में विविधता लाना, कृषि उत्पादों के विभिन्न बाजारों को तलाशना, नवीन तकनीकों के माध्यम से मूल्य संवर्धन करना, जैविक पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देना। कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि में समावेशी विकास एवं कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि का डिजिटल वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भूस्वामित्व कार्ड, किसान सुविधा ऐप, मौसम आदि की जानकारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुवाई ऐप, बीज बुवाई की इष्टतम तिथि, एम किसान ऐप, कृषि जानकारी, फसल बीमा ऐप, बीमा से संबंधित जानकारी, एग्री स्टैक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों व डिजिटल डेटा बेस का संग्रह है, जिसका उद्देश्य किसानों व कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। कृषि वित्त, किसानों कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु मिलने वाला उधार ही कृषि साख कहलाता है, जिसे भारत में निम्नलिखित प्रारूप है। संगठित कृषि साख और असंगठित कृषि साख। संगठित कृषि साख, नियमों का अभाव, सेठ साहूकार। संगठित नियमों के अधीन किसानों को वित्तीय सहायता, सहकारी समिति, बैंक, सरकार। असंगठित, वेरी बैड। संगठित क्षेत्र में सरकारी प्रयास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर KCC योजना। वर्ष 1997-98 में किसानों को उत्पादकता के आधार पर ऋण प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया, जिसमें वर्ष 2012 में डेबिट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019-20 में बजटीय घोषणा के अनुसार वर्तमान में डेयरी संचालकों को भी KCC दी जाती है। इसमें किसानों को उत्पादक ऋण प्रदान किया जाता है, जो 5,000 रुपये के उत्पादन मापदंड पर दिया जाता है। वर्तमान में KCC के माध्यम से दिए गए कुल ऋण का 61% ऋण वाणिज्य बैंक, 31% सहकारी बैंक,
एवं 18% ऋण RRB द्वारा दिया जाता है। PM किसान मानधन योजना, 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। 55 रुपये से भी 200 रुपये प्रति भाग का योगदान समान राशि सरकार द्वारा जमा कराई जाती है। 60 वर्ष की आयु पश्चात प्रतिमाह 3,000 पेंशन भुगतान। अन्य महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास, हरित क्रांति 1967। क्षेत्रानुसार क्रांतियां जैसे लाल क्रांति टमाटर व मांस, नीली क्रांति समुद्री संसाधन, श्वेत क्रांति दुग्ध दूध, त्रिरंगी क्रांति केसरिया सफेद हरा चक्र। अशोक दलवाई समिति 2018, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना सुझाव। ए, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाव। बी, कृषि उत्पादक संगठनों का विस्तार किया जाए। सी, गोदाम कोल्ड स्टोरेज व आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार। डी, कृषि को समवर्ती सूची का विषय बनाना। ई, सुनिश्चित तरीके से कृषि क्षेत्र में GST को लागू किया जाए ताकि किसानों पर GST का भार कम हो। एफ, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा, संस्थागत कृषि को सुदृढ़ करना। स्वामीनाथन आयोग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2006 को प्रस्तुत की। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, भूमि सुधार की गति को बढ़ावा दिया जाए, भूमि इन किसानों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाए, रेड बॉक्स C3 लागत की गणना C2 लागत में 50% वृद्धि से की जाए, महिला किसानों के लिए KCC बनाए जाए, किसानों से ऋण तब तक ना वसूला जाए जब तक किसान ऋण चुकाने की क्षमता में ना हो, पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिए वर्षा के जल संरक्षण पर खर्चा को बढ़ावा दिया जाए। खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसमें खाद्य उपजों को लंबे समय तक उपयोगी बनाने के वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में इस क्षेत्र की महत्वता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र की विकास को दर 10% रही है। 19.3 लाख लोग इस क्षेत्र में नियोजित हैं। भारतीय निर्यात में 10.7% योगदान है। इस क्षेत्र में कुल निवेश $1.5 बिलियन है, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय खान पान की विविधता के कारण इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारत में मध्यम वर्ग के अधिक्य के कारण इस क्षेत्र की मांग अधिक है। इस क्षेत्र का विस्तार विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने, कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने एवं किसानों की आय वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियाँ, अत्यधिक अनौपचारीकरण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला व बुनियादी ढांचे का अभाव, कच्चे माल तक पहुँच में बाधाएं, कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता, किसानों के साथ निर्यातकों थोक खरीदारों का अपर्याप्त जुड़ाव, गुणवत्ता एवं सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकारी पहल, मेगा फूड पैक योजना, PM किसान संपदा योजना वर्ष 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के लिए संपदा नामक योजना शुरू की गई। 2017 में इसका नाम बदलकर PM किसान संपदा योजना किया गया। उद्देश्य, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देना, विद्यमान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार, अपव्यय में कमी करना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। 100% FDI अनुमति दी गई। खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये का खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया गया। ऑपरेशन ग्रीन्स FPO प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के वैसे टमाटर प्याज आलू के एकत्रीकृत विकास हेतु शुरू। PM सुरक्षा खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उत्थान के लिए वित्तीय तकनीक एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु
अखिल भारतीय केंद्र द्वारा शुरू FLISFIPI खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना केंद्र क्षेत्र की योजना है। भारत के प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती के अनुरूप वैश्विक खाद्य निर्माण का समर्थन करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारत ब्रांडों का समर्थन करने हेतु खाद्य प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS वह प्रणाली जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। भारत में इस व्यवस्था के अधीन उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाती हैं। नोट, भारत में PDS व्यवस्था अनुरूप स्वरूप की है जिसका मुख्य उद्देश्य उसी किसी परिवार या वर्ग को आवश्यक वस्तु की संपूर्ण मात्रा उपलब्ध कराना नहीं है। PDS व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में PDS व्यवस्था की शुरुआत 1947 से ही मानी जा सकती है जिसे वर्ष 1992 में सुधारी हुई RPDS नाम दिया गया जिसमें दूर दराज पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 1997 में लक्ष्य आधारित PDS शुरू की गई जिसमें उचित व कम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं लाभित वर्ग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। भारत में वंचित वर्ग की श्रेणियां APL सामान्य आर्थिक कीमत पर आवश्यक वस्तु, PPL APL से अधिक कीमतों पर आवश्यक वस्तु। भारत में PDS के कार्य केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित होते हैं। खाद्यान्नों की अधिक एवं उचित रख रखाव करना राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थियों की पहचान आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों को राज्य तक पहुंचाना उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तु वंचित वर्ग को वितरित करना। भारत में PDS व्यवस्था की कमियाँ भ्रष्टाचार एवं सब्सिडी लीकेज की समस्या नवीन एवं उच्च तकनीकियों का अभाव नवाचार एवं कुशलता का अभाव खाद्य प्रसंस्करण में वैज्ञानिकता का अभाव पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा का अभाव फर्जी राशन कार्डों से संभालों सलाभों का दुरुपयोग। PDS व्यवस्था में सुधार के सुझाव कमियों को दूर करने के लिए अगले लिखित सुझाव महत्वपूर्ण है। वाहक परिवहन साधनों में GPS व्यवस्था लागू करना उचित मूल्य की दुकानों में बायोमेट्रिक पहचान को अपनाना सब्सिडी की राशि लाभार्थी तक प्रत्यक्ष पहुंचाने की व्यवस्था में DBT डेबिट लाभार्थियों की पहचान में राजनीतिक हस्तक्षेप की बनाए की बजाय राजनीतिक शक्ति प्रयोग में लाई जाए। इन्हीं सुझावों को अपनाने के लिए 21 अगस्त 2014 को शांता कुमार समिति का गठन किया गया जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से PDS व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया जिसे तहत जनवरी 2013 में डेबिट योजना लागू किया गया। वर्तमान सरकार डेबिट को जैम त्रिसंयोजक जनधन आधार मोबाइल से चिन्हित करने करते हुए सब्सिडी लीकेज के नियंत्रण पर सराहनीय कार्य कर रही है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर खरीदने का आश्वासन दिया जाता है जिसे MSP कहा जाता है ताकि कृषि उत्पादक उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित हो सके एवं कृषि मूल्यों में गिरावट पर भी न्यूनतम मूल्य रूपी सुरक्षा प्रदान की जा सके। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में MSP की योजना घोषणा कृषि लागत व मूल्य आयोग जो 1985 में स्थापित हुआ द्वारा की जाती है। इससे पहले MSP की घोषणा कृषि मूल्य आयोग द्वारा की जाती थी। भारत में MSP की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है, रवि व खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व। CACP द्वारा MSP की घोषणा से पहले निम्नलिखित लागतों का अध्ययन किया जाता है। C2 लागत
उत्पादन की लागत बुआई कृषि आदान परिवहन ईटीसी सी थ्री लागत बराबर सी टू लागत प्लस सी प्लस सी टू का 10%। विगत वर्षों में सी थ्री लागत की गणना सी टू प्लस 50% ऑफ सी टू से की जा रही है। खरीद मूल्य वह वास्तविक क्रय मूल्य जिसकी घोषणा कृषि उपज को क्रय करते समय की जाती है, जो अधिकांशतः एमएसपी से ज़्यादा ही रहता है। वर्तमान में कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में सुधार करने एवं किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 3 नए कृषि कानून प्रस्तावित किए गए हैं, हालांकि इन्हें सरकारी घोषणा से रद्द कर दिया गया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण एक्ट 2020। वर्तमान में किसानों को अपनी उपज के विक्रय में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कृषि के लिए अधिसूचित कृषि उत्पादन विपणन समिति APMC वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज के विक्रय पर कई प्रकार के प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। इस एक्ट द्वारा ऐसे तंत्र की स्थापना का प्रयास था जिसमें किसान अपनी उपज को अंतर्राज्यीय स्तर पर बेच सके, जहां उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो। कृषि उपजों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की व्यवस्था में भी एक्ट में भी की गई तथा वर्णित किया गया कि किसानों से उनकी उपज के विक्रय पर किसी भी प्रकार का उपकर न लिया जाए। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। भारतीय किसानों को छोटी जोत मौसम पर निर्भरता व बाजार अनिश्चितताओं के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों की आर्थिक क्षमता घटती है। इस विधेयक के माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से थोक विक्रेताओं बड़े कारोबारियों निर्यातकों के साथ जुड़ सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है व किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त होते हैं। इस एक्ट द्वारा अनुबंध कृषि का प्रावधान जोड़ा गया, इससे किसान प्रत्यक्ष निजी क्षेत्र में बड़े विपणनकर्ताओं से आसानी से जुड़ सकता था एवं किसान पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज बेच सकें। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इस विधेयक के माध्यम से अकाल, युद्ध, महामारी जैसी असामान्य परिस्थितियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित किए जाने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में भारत सरकार कृषि उपजों को नियंत्रित कर सकती है, भंडारण की ऊपरी सीमा को हटा सकती है ताकि उपभोक्ता को सुरक्षित किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र प्रत्येक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक कृषि की एक विशिष्ट भूमिका होती है, जहां प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में ग्रहण किया जाता है एवं उसे द्वितीयक उत्पाद में बदला जाता है। इस व्यवस्था को औद्योगिकरण कहा जाता है, जिसके विकास से नए उत्पाद, तकनीक एवं सेवाएं अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती हैं। उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन को बढ़ावा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी तथा अंततः आर्थिक विकास की गति बढ़ती है। यही कारण है कि प्रत्येक देश की सरकार स्वयं की क्षमता और परिस्थितियों के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाती है। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया। औद्योगिक नीति 1948 घोषणा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में की गई, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका स्पष्ट करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारूप अपनाया गया। 1948 की नीति में औद्योगिक उद्योगों की श्रेणियां सामरिक व राष्ट्रीय महत्व के उद्योग केंद्र सरकार, आधारभूत संरचना के उद्योग सरकारी नियंत्रण, राज्यों के विशिष्ट उद्योग राज्य सरकार का नियंत्रण, शेष उद्योग निजी सहयोग अपेक्षित।
औद्योगिक नीति 1956, देश का आर्थिक संविधान। आर्थिक संविधान, इस नीति की घोषणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ 30 अप्रैल 1956 को की गई। इसमें समस्त उद्योगों को अनुसूची प्रथम राष्ट्रीय महत्व व आधारभूत संरचना के उद्योग, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण, अनुसूची द्वितीय राज्य के एकाधिकार वाले उद्योग, अनुसूची तृतीय शेष अन्य उद्योग, राज्य प्लस निजी क्षेत्र। नीति के लक्षण, राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था, समाजवादी प्रारूप अपनाया गया, नेहरू मार्बोलनिस मॉडल। बृहद उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई, निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था को सर्वव्यापी बनाया गया, समाजवादी प्रारूप एवं आधारित श्रम कानून लागू, राउरकेला भिलाई व दुर्गापुर में विदेशी ऋण के सहयोग से औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना की गई, ऋण चुकाने का भार बढ़ा। नोटिस, औद्योगिक नीति के बाद औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, परंतु उत्पादन की लागत में भी बढ़ोतरी हुई। 1960 से 1990 तक मुख्य औद्योगिक प्रावधान। 1960 में औद्योगिक क्षेत्र में निजी एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए MRTP एक्ट 1969 लागू किया गया। एकाधिकारी एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक कानून 25 करोड़ की सीमा, मोनोपोटेसिक एवं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड्स पार्टिसिपेट्स एक्ट, विदेशी पूंजी को नियंत्रित करने के लिए FERA एक्ट 1973। 1977 में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। 1990 के दशक से सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता विकास कार्यक्रम चलाए जाए। आर्थिक सुधार एवं नई औद्योगिक नीति, देश के आर्थिक मॉडल को आमूल परिवर्तित करने के उद्देश्य से 23 जुलाई 1991 को आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिन्हें LPG मॉडल के नाम से लागू किया गया। इसी मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति, जिसे आर्थिक नीति भी कहते हैं, लागू की गई।